विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, आज फिर दोबारा टेस्ट है आपका। भारत का संवैधानिक इतिहास से टेस्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, पॉलिटी में भी काम आएगा, यहाँ पे तो है ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि राजस्व अधिकारिता यानी रेवेन्यू अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की बैसाखियों से पेपर नहीं निकला करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होती है उसके सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? विधि आयोग यानी लॉ कमीशन। प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? और इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किस एक्ट में था? किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी उस समय बोलते थे, कंपनी की जो नौकरी होती थी उसको क्या बोलते थे? सरकारी नौकरी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि किस एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंद किया गया? किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? अधिकार दिया गया। मेरे से पूछो जो पूछना है। बजट पर बहस करने, अरे आगे देखो यार, क्या है पीछे, कुछ है या वहीं बैठ जाओ। गर्दन हिलाना भी नकल मानी जाती है, अगर इधर उधर देख लिया, किसी कॉपी में देख लिया, वो भी नकल है। आंखों को ईमानदार बनाओ। क्या पूछा मैंने? बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया किस एक्ट के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था?
मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारे पूछें मेरे से, इधर उधर ना देखें बस। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति करके नियुक्ति की गई, छठे सदस्य की नियुक्ति की गई? छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। इस छठे सदस्य को क्या कार्य सौंपा गया, इसी में लिखना है आपने। इस छठे सदस्य की जो नियुक्ति की गई, इसका कारण क्या था, क्या क्या वो था उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? निर्वाचन पद्धति का आरंभ आरंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई? केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। किस एक्ट के द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई? हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, किसने किससे कहा? नाग के, सांप के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, किसने किसको कहा ऐसा, मतलब किसने किसको लिखा और किस संबंध में लिखा? मतलब ये जो सांकेतिक भाषा है ये क्या किस ओर इंगित कर रही है? ये हम सांप के दांत बो रहे हैं, कौन से दांत बो रहे हैं भाई सांप के, ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब किस एक्ट के संबंध में कहा गया ऐसा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, तो ये किसने किसको लिखा और किसके बारे में लिखा? सबसे पहले भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कब कही गई थी?
सबसे पहले या सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कब कही गई थी? डेट भी लिखनी है और वो स्थिति भी लिखनी है जब जहां पर कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भारत सचिव और उसके परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया किस एक्ट के द्वारा? भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया किस एक्ट के द्वारा? डायर की नामक पुस्तक किसने लिखी? डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? अगला क्वेश्चन। 1919 के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इनमें किन किन को शामिल किया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इनमें किन किन को शामिल किया गया? ১৯৩৫ के एक्ट को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? अधिकार पत्र कहा? सात सदस्यीय साइमन कमीशन के अन्य छह लोगों के नाम बताने हैं आपने। एक तो साइमन ही हो गया, तो साइमन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अन्य छह लोगों के नाम बताने हैं आपने।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ১৯৩৫ के एक्ट द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांतों काट दीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर मैंने पहले ही दे दिया। दरअसल मुझे पूछने थे कितने ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया, 11 ब्रिटिश प्रांतों को पूछा अभी भी जा सकता है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को। 11 ब्रिटिश प्रांतों के साथ कितने कमिश्नरी क्षेत्र रखे जाने तय किए गए? इसी को बढ़ा दो, अब जब तीर निकल गया तो फिर ठीक नहीं है ना। 11 ब्रिटिश प्रांतों के साथ कितने कमिश्नरी क्षेत्र शामिल किए जाने थे? कमिश्नरी क्षेत्र अब 21वां होगा मेरे ख्याल से, तो 21वां होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुझे तो भाई अभी 21वां ही दिख रहा है। 20 हो गए, 21वां है, 21वां होगा अब। हाँ 21वां क्वेश्चन लिखिए, किसी क्वेश्चन को आपने दो बना दिए होंगे या तो मैंने एक ही में पूछा था। लिखिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बंबई में इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी बंबई में? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ১৯৩৭ के चुनाव के बाद पंजाब में और बंगाल में
मुख्यमंत्री बने क्रमशः पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत में, कौन मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री प्रांतों में मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्नीस सौ सैंतीस के चुनाव में मद्रास बिहार बंबई और उड़ीसा, एक क्या क्या पूछा मैंने, दो मिनट रुक जाइए, मद्रास पहले, मद्रास पूछा मैंने, फिर लिखना मध्य प्रांत, बंबई मत लिखो, मध्य प्रांत बिहार संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में क्रमशः रहे मुख्यमंत्री कौन कौन। दरअसल ये पूर्ण बहुमत वाले राज्य थे जहां पे पूर्ण बहुमत मिला था इन्हें। तो मद्रास में कौन रहा, उसके बाद आपने लिखना है मध्य प्रांत में कौन रहा, उसके बाद मैंने पूछा कहां, बिहार, बिहार में कौन रहा, उसके बाद पूछा मैंने संयुक्त प्रांत, और लास्ट में मैंने पूछा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव की डेट लिखनी है आपने, और साथ में बताना किसने प्रस्तुत किया था, यह अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था। चुनाव परिणामों में संविधान सभा में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। जब चुनाव परिणाम निकले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए ना, तो उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली और मुस्लिम लीग को कितनी मिली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का जब चुनाव परिणाम निकला तो उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी, मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, ये क्वेश्चन है मेरा। संविधान सभा में देसी रियासतों में से सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? देसी रियासतों में से, प्रिंसली स्टेट्स में से, किस प्रिंसली स्टेट से सबसे ज्यादा मेंबर थे?
1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार जो होती है, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, तो उसमें रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री थे क्रमशः। रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री थे क्रमशः। उन्नीस सौ छियालीस की अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया? जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया, मतलब वित्त मंत्रालय किसके पास था, वित्त मंत्री कौन था? उन्नीस सौ छियालीस में मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री कौन बना वहां का? उन्नीस सौ छियालीस के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई, बंगाल में, तो बंगाल का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन था? उन्नीस सौ छियालीस की अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी उसका उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष नहीं पूछा मैंने, उपाध्यक्ष पूछा। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? छब्बीस नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है भारत में? जिस दिन संविधान का अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर, उसको किस रूप में मनाया जाता है? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंजाब
पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक दर्जा कैसा था? भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक? भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे, तीसरा वाचन कब से कब तक चला? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पर भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? उसमें 2 नाम लिखने हैं आपने, खास सबसे चर्चित नाम जो थे। कुल कितनी महिलाएं थी और 2 महिलाओं के नाम लिखे हैं जो सबसे चर्चित महिलाएं थी संविधान सभा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान का कौन बना पहला प्रधानमंत्री? हो गया 40 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर लिख दिया आपने, ठीक है। आंसर बता रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन मेरा यह था कलकत्ता उच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता किस एक्ट के द्वारा समाप्त की गई? आंसर 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई, रेवेन्यू, राजस्व बोलते रेवेन्यू को। दूसरा क्वेश्चन था किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? पिट्स इंडिया एक्ट, आंसर पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा क्वेश्चन था विधि आयोग,
विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। विधि आयोग का पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले था। एक्ट जो था वो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है, और जो विधि आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था? लॉर्ड मैकॉले। और विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन धर्म, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा नौकरियों में कंपनी की। 1833 चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो जल्दी जल्दी। भारतीयों को बजट पर बहस करने और बोलने का अधिकार दिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892। 1909 का जो एक्ट है मिंटो मार्ले सुधार, सर अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया, सर अरुंडेल समिति। अगला, छठा सदस्य शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा जोड़ा गया, जिसको कि लोक निर्माण विभाग दिया गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884। अगला क्वेश्चन बताओ। 1884 54 में कहां से हो गया भाई? 57 में तो क्रांति हुई, 58 में बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं किया जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रही। औपचारिक रूप से जो समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1 जनवरी 1884 को किया गया। अभी नूर नहीं आया आंखों में, वो जो क्वेश्चन चेक, मतलब कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से बनेगा, आ जाएगा धीरे धीरे, फिक्र मत करो। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, निर्वाचन पद्धति का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1892 अगला क्वेश्चन बोलो भाई जल्दी। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से घटाकर 60 कर दी गई 1909 के एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन 11वां, हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, हाँ यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन, मार्ले ने मिंटो को कहा, ठीक है अभी सही बोल रहे थे, आपके क्वेश्चन में नंबर डालना भूल गया मैं, मार्ले ने मिंटो से कहा 1909 के एक्ट के बारे में कहा, मार्ले ने कहा मिंटो को, मिंटो ने मार्ले को नहीं कहा, मार्ले ने मिंटो को लिखा कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल जहरीली होगी, और उसने 1909 के उस प्रावधान के बारे में कहा जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला 13वां क्वेश्चन भाई, 41 हो गए फिर तो आज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया। आगे, मोंटे की घोषणा 20 अगस्त 1917, सबसे पहले डोमिनियन स्टेट की बात कहां पर की गई? 20 अगस्त 1917 मोंटे की घोषणा। अगला 14वां क्वेश्चन, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन कहां से दिया जाने लगा? ब्रिटेन से दिया जाने लगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसा होगा। अरे भाई पहले ऐसा होता था ना, भारत के राजस्व से दिया जाता था, व्यवस्था की गई कि अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। 1919 का एक्ट डायर की लिखी लायनेल कार्टिस ने। 15वां क्वेश्चन था ये, 15वां। 16वें क्वेश्चन का आंसर है 1935 भारत शासन अधिनियम, क्या था क्वेश्चन? संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना किससे की गई? जो सुप्रीम कोर्ट है आज आपका, 1935 भारत शासन अधिनियम। अगला 17वां क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और सिखों को भी शामिल कर दिया गया, आंग्ल भारतीय ने एंग्लो इंडियन, ईसाई, यूरोपीय और सिख, यानी मुसलमानों को तो दे ही दिया पृथक निर्वाचक मंडल। आगे चलकर 1919 में इन चार को भी शामिल कर दिया उसमें। अगला 18वां, गुलामी का अधिकार पत्र जेल नेहरू ने कहा, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा साथ में। अगला, लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागान, बर्नन हार्मशन
सी आर एटली, जी आर लेनफॉक्स और हेम अर्ल कोना, ये छह लोग थे भाई। किसमें? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन। अगला, मद्रास अधिवेशन में एम एन अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे, क्या बोला गया? बोलो भाई, बीसवा क्वेश्चन। हाँ, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय मद्रास अधिवेशन में लिया गया, एम एन अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन 21वां, छ, क्या था क्वेश्चन? कितनी कमिश्नरी थी? छह कमिश्नरी थी, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, बाकी प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया जो मिलना चाह रहे हैं मिलो, जो स्वतंत्र रहना चाह रहे स्वतंत्र हो। अगला 22वां क्वेश्चन, पंडित जेल नेहरू मौलाना आजाद आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स के साथ कौन थे? जेल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। 23वां क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी किसने बनाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने। 24वां क्वेश्चन, फजलुल हक ने बनाई क्या? कृषक प्रजा पार्टी। और अफसर हुसैन ने बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी। पक्का? आगे पीछे तो नहीं कर दिया? सिकंदर हयात खान पंजाब में, फजलुल हक बंगाल में। बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक ने बनाई थी, इसलिए मुख्यमंत्री भी वही बना। और अफसर हुसैन ने बनाई थी क्या? यूनियनिस्ट पार्टी। लेकिन जो वो बना, वो कौन बना? सिकंदर हयात खान बना पंजाब में। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? सिकंदर हयात खान बना। अगला, सी राजगोपालाचारी, एन बी खरे, रविशंकर शुक्ल, श्री कृष्ण सिन्हा, गोविंद बल्ला पंत, बी एन दास। ये जो 1937 के बाद जो मंत्रिमंडल, सॉरी, जो सरकारें बनी, सी राजगोपालाचारी बने कहाँ? मद्रास में। एन बी खरे बने कहाँ? एन बी खरे बने मध्य प्रांत में, लेकिन कुछ समय बाद हट गए और रविशंकर शुक्ल आए उनकी जगह पे। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं उस हिसाब से। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में बने, बी एन दास उड़ीसा में बने। यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिला था। अगला, अगस्त घोषणा जो है 8 अगस्त 1940 की, लॉर्ड लिनलिथगो, 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है 27वां, 208 मिले कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम लीग को। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव हुए तो 208 सीटें मिली किसको? कांग्रेस को, और 73 मिली मुस्लिम लीग को। तो बौखला गई मुस्लिम लीग कि भाई इतने कम। अगला 28वां, मैसूर, सबसे ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट से लोग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो कहाँ से थे? मैसूर से थे। उसके बाद इंटरिम सरकार जब बनी, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने। क्या बने? 1946 सरदार बलदेव सिंह। तो पहला जीप घोटाला हुआ, रक्षा घोटाला हुआ इस देश में, जीपों पे दलाली खा गए, ठीक है। तो सरदार बलदेव सिंह का नाम आया था उस समय। सी राजगोपालाचारी ये बने शिक्षा मंत्री, लेकिन आजाद भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन है? और उनका जन्म मक्का में हुआ था, और मक्का अरब में पड़ता है, मक्का और मदीना। अगला, लियाकत अली खां, 30वें का आंसर है लियाकत अली खां। क्या था क्वेश्चन? वित्त मंत्रालय किसको दिया? आगे चलकर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है लियाकत अली खां, ये वित्त मंत्री है उस समय का। बोला भाई चलो तुम ही देखो वित्त को, फिर भी नहीं माने ये लोग, पाकिस्तानी बना के छोड़ा इन्होंने, आज रो रहे हैं। अगला, एच एस सुहरावर्दी, क्या था 32वें का आंसर? कहाँ पर? बंगाल में। एच एस सुहरावर्दी 33वें का आंसर, जेल नेहरू। क्या था क्वेश्चन? उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो वाइसराय था, अध्यक्ष कौन था? वाइसराय, तो उपाध्यक्ष कौन थे? जेल नेहरू। अगला 34वां, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। 35वें का आंसर, दिस 26 डे ऑफ नवंबर डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? लॉ डे, विधि दिवस। दोनों बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष रेडक्लिफ था, बंगाल वाला भी और पंजाब वाला भी, पाकिस्तान वाली साइड में भी और बांग्लादेश वाली साइड में, दोनों तरफ का अध्यक्ष कौन था? रेडक्लिफ।
37वें का आंसर, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट ठीक है मान लेंगे, बट ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। फिर हम बने सॉवरेन, संप्रभु बने फिर हम। 37वें का आंसर 14 से 20 नवंबर 1949, तीसरा वाचन जो हुआ यही था क्वेश्चन, 14 से 26 होना चाहिए भाई, 26 नवंबर 1949, 14 से 26 नवंबर 1949। 8 महिलाएं थी साइन करने वाली, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, जो सबसे चर्चित नाम है दो महिलाओं के, वो पूछे थे मैंने। 40वें का आंसर 13 दिसंबर 1946, क्या था क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव। देखो 9 को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया, 11 को फिर दोबारा जो मतलब 11 को हटा दिया सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, 13 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने, नेहरू ने, वही प्रियम्बल है हमारा। अगला, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली, जिसको कभी वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय दिया था हमने, वो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना, गवर्नर जनरल बना जिन्ना, जिन्ना क्या बना, मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड हमदर्द, ठीक है भाई। हाँ जी, अरे भाई पहले